अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे ग्रीन अनियन पराठा, ठीक है, चीज़ के साथ बनाएंगे हम। इसके लिए मैंने नॉर्मल आटा गूंदा हुआ है, गूंद रख लिया था 15 मिनट पहले, नॉर्मल जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। तो मैंने ग्रीन अनियन लिया है तकरीबन 1 कप। इसमें हम डालेंगे मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, नमक डालेंगे थोड़ा सा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा, और मैं डालूँगी काली मिर्ची थोड़ी सी, और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डालनी है, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको हम साइड पे रख देते हैं, अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल आटा लिया है हमने, इसके हम छोटे छोटे से 2 पेड़े बना लेंगे। इस तरह के हम 2 बना लेंगे। मैं आपको 1 पराठा बनाना सिखाऊंगी, आप इसी तरह बाकी सारे बना लीजिएगा। अपने साइज़ 1 रखना है, ठीक है, 1 सी साइज़ के 2 पेड़े बना लेने हैं। ये मैंने बना लिए हैं, अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब इनको खुश्के में थोड़ा सा रोल करेंगे, इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि बेलने में आसानी हो, ठीक है। ये हम दोनों बना लेंगे इस तरह। अब हम इनको बेलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको गोलाई में आपने बेलना है। इसी तरह दोनों को आपने कर लेना है। ये देखिए हमने एक जैसी दोनों बना लिए। अब हम इसमें ये स्टफिंग करेंगे ग्रीन अनियन की, आपने बारीक बारीक कटिंग करना है। ये मैंने रोटी के ऊपर फैला दिए, अब हम इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। हमने कद्दूकस करके रखी हुई है, ये हम लगाएंगे। ये हमने चीज़ फैला दी है, अब हम इसके ऊपर ओरिगैनो लगाएंगे। अब इसके ऊपर ये दूसरी रोटी जो हमने बनाई थी इसको हम लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से लगाएंगे। जहाँ से ये बराबर नहीं है उसको आप बराबर ले जाएं और पहले सब को मिला लें, फिर आप उसको जोड़िएगा साइडों से। ये देखें एक जैसी हो गई है, अब हम इसको जोड़ते हैं इस तरह। बिस्मिल्लाह, अब हम इसको बेलते हैं, इसके ऊपर खुश्का लगाते हैं थोड़ा सा। सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से इसको आपने बेलना है, ज़ोर से नहीं बेलना कि रोटी फट जाए, आपका पराठा ना फट। ये देखिए हमने बेल लिया अच्छे तरीके से, अब हम इसको बनाएंगे। ये हमारा तवा गरम है, इसके ऊपर हम लगाएंगे घी थोड़ा सा। आँच हल्की रखेंगे, तवा गरम करके ना आँच हल्की रखेंगे आप। अब ये इसके ऊपर फैला देंगे और इसको एक तरफ से आप जब पक जाएगा इसको दूसरी साइड पे कर देना आपने। ये एक तरफ से पक गया, अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब थोड़ी सी आँच ज़्यादा करते हैं और इसको दूसरी साइड से भी पकाते हैं। अब हम इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह, अब इसको इस तरह चम्मच से प्रेस करते करते आप इसको क्रिस्पी करेंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइडों से हम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। आप अगर इसको देसी घी से बनाना चाहती हैं तो आप देसी घी से भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार।
इसी तरह दोनों साइडों से पका के हम इसको उतारते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए हमने पराठा रेडी कर लिया है, अभी हम इसको कटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यू, ये देखें कितना अच्छा टेक्सचर है चीज़ के साथ इसका पराठे का। बिस्मिल्लाह, ये देखिए व्यूज़, आप भी बनाइएगा इस तरीके से ग्रीन अनियन पराठा। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया हुआ है। अगर आप चीज़ ज़्यादा पसंद करती हैं तो ज़्यादा लगा लें और मेरी इस रेसिपी से बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।